फ्रेंड, मैं अभिषेक शर्मा आपका टेक्निकल क्लासेस में स्वागत कर रहा हूँ। तो आज अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, एस चांद पब्लिकेशन, आर एस खुरमी की प्रॉब्लम्स। तो यहाँ पे प्रॉब्लम है आपकी थर्ड नंबर प्रॉब्लम, चैप्टर नंबर सेकंड की। तो देख लेते क्या है प्रॉब्लम। अ लोड 5 किलोन्यूटन इज टू बी द रेज विद द हेल्प ऑफ द स्टील वायर। फाइंड द मिनिमम डायमीटर ऑफ द स्टील वायर इफ द स्ट्रेस इज नॉट टू बी एक्सीड 100 मेगा पास्कल। तो यहाँ पे आप देखेंगे क्वेश्चन के अंदर मुझे डायरेक्ट सबसे पहले लोड दे रखा है कि 5 किलो न्यूटन का लोड उठाया जा रहा है और स्ट्रेस दे रखी है मेरे को 100 मेगा पास्कल। तो मैं यहाँ से इसका सबसे पहले तो मैं क्रॉस सेक्शन एरिया निकाल सकता हूँ कि क्रॉस सेक्शन एरिया कितना होगा जो कि मेरा स्टील वायर है। तो ए की वैल्यू मुझे मिल जाएगी क्योंकि मुझे पता है कि सिग्मा इज इक्वल पी ओवर ए होता है। तो यहाँ पर मेरे को साक्षात वैल्यू दिख रही है कि उसने सिग्मा की वैल्यू लगा दी न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में चेंज करके 100 मेगा पास्कल दी थी। लोड कैरिंग कैपेसिटी मुझे दिख रही है कि 5 किलो न्यूटन लगा रखा है। एरिया की वैल्यू पाई बाई 4 d² होती है। तो यहाँ से मेरे को क्या मिल गया, उसका डायमीटर मिल गया। तो यही चीज़ उसको फाइंड आउट करनी थी। तो दिस इज़ अ बेसिक क्वेश्चन, वेरी सिंपल क्वेश्चन। इसका मैं स्क्वायर रूट निकालूंगा। स्क्वायर रूट की वैल्यू को जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास निकल के आएगी 7.98, दैट्स मीन 8 mm। तो वेरी सिंपल प्रॉब्लम। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस, थैंक यू सो मच।